Azim Khan. तुम इतना सकून से कैसे सो सकते हो? जब तुम्हारी बहन मलिक जुबैर के पास हो। इधर चले। अनस सब कहाँ हैं? कौन सब? निकाह ख्वाब गवाज कोई भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो सब आते ही होंगे ना, हम पहले अंदर से चलते हैं ना। हमें तो पहले निकाह करना है ना। हाँ मरियम निकाह भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, पहले अंदर चलते हैं। लेकिन हम यहाँ क्यों आ गए हैं? हम तो फ्लैट में जा रहे थे और ये फार्म हाउस तो बहुत दूर है। मरियम हम इतने दूर इसलिए आए हैं कि ये तुम्हारे भाई की पहुंच से दूर है। देखो अगर हम अब मेरे फ्लैट जाते हैं तो वहां तो तुम्हारा भाई पहुंच सकता है ना, लेकिन यहाँ का पता तो नहीं है उनके पास। हम सेफ है ना। लेकिन अनस हमें तो पहले निकाह करना था ना, हम जल्दी निकाह कर लेते हैं, ऐसे कैसे यहाँ पे रुक सकते हैं, ये गलत है। लगता है तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। मैं करती हूँ अनस। तो अगर मोहब्बत करती हो तो मुझ पर यकीन करो ना, मेरी बात पे भरोसा करो ना। मरियम ये हमारी दरमियान ये मोहब्बत ही तो है जो हमें यहां तक ले आई है। अब बस इस मोहब्बत का मान रखो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि सुबह होते साथ तुम अपने घर में होगी। सिर्फ मैं नहीं अनस, आप भी चलेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ हम दोनों साथ जाएंगे। देखो मैं ना कभी तुम्हारा दिल नहीं था, मीरब से वादा किया है मैंने। अब अंदर चले। मरियम, मरियम कहीं नहीं है घर में। मरियम कहीं भी नहीं मिल रही, ये क्या हो गया? मुर्तसिम अनवर खुदा के वास्ते कुछ करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मलिक मुख्तार फोन नहीं उठा रहा, उसने धमकी दी थी कि वो अपनी दुश्मनी का बदला हमारे घर से लेगा। मुझे पूरा यकीन है मरियम उसी के पास है। मलिक जुबैर भी फोन नहीं उठा रहा, उसने मरियम को अगवा किया। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? मुर्तसिम खुदा के लिए कुछ करो बेटा, ऐसा कैसे कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा।
इतने गार्ड बैठे हैं बाहर, और घर में घुस के कैसे कोई ले जा सकता है मेरी बेटी को? वो सिर्फ इस घर की बेटी नहीं, इज्जत भी है जो आज मलिक जुबैर के हाथ में है। और वो मलिक जुबैर जो बरसों से इस ताक में था कि इस घर की इज्जत को नीलाम करे, आज उसे मौका मिल गया, बरसों की दुश्मनी निकालेगा मरियम की सूरत में। इस कर दो यार, इससे ज्यादा मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुर्तसिम, खुदा के वास्ते कुछ भी करो, किसी तरह भी बहन को लेकर आओ बेटा। मेरी बच्ची शाहनवाज की अमानत कहाँ चली गई? अब तो वो नौरेस की भी अमानत है, कल निकाह है उसका। चाचा साहब किसी से रब्ता हुआ? नहीं, सब नंबर ऑफ जा रहे हैं। आप लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे, वो नहीं करना चाहती थी ये शादी, हो सकता है भाग गई हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाउ इज इट पॉसिबल? खुदा के लिए ऐसी बात मत करो मरियम, ऐसा नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। नहीं है उसमें हिम्मत, हो सकता है उसे बहकाया गया हो। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? माँ बेगम, मुझे लगता है वो अनस जिससे मरियम शादी करना चाहती थी वो मलिक जुबैर ही है। अनस की तस्वीर है किसी के पास? मीरब के पास होगी। ये मिलवाती थी ना मरियम को उससे, यही तो पेश थी उसकी शादी करवाने के लिए मरियम से। मीरब, तुम्हारे पास तो उसकी पिक्चर होगी, प्लीज दिखाओ मुझे। तुम मिलने गई थी ना उससे, तुमने देखा होगा उसको। जिससे तुम मिलने गई थी, बताओ मुझे, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बताओ क्या यही है वो? मीरब को कहाँ लेके जा रहे हैं? मीरब को पता है कि वो कहाँ है। माँ बेगम, अब बैठे। बेगम, बैठे बैठे। कहाँ मिलने गई थी अनस से? कहाँ मिलने गई थी अनस से? मैं उसका घर सर्विस रोड पे था। मुर्तसिम,
अनस आप कहाँ चले गए थे? अरे मैं साथ वाले रूम में गया था। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? अनस अभी तक कोई नहीं आया, हमें तो निकाह करना था ना। आ रहे हैं सब, निकाह की तो तैयारी हो रही है। पर अनस कोई भी नहीं है, कोई मौलवी भी नहीं दिखाई दे रहा है। मौलवी भी आ जाएगा ना। देखो हमने तो एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया ना। हाँ हाँ अनस, लेकिन मैं पहले निकाह करना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर ये ठीक है, देखो तो सही। अनस इसकी क्या जरूरत है? मरियम मैं तुम्हें इस दुल्हन वाले लाल ड्रेस में देखना चाहता हूँ। हाँ पर ये कपड़े भी तो ठीक हैं। क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करती? मोहब्बत नहीं करती मुझसे? मैं हूं, जब मैं हूं तो क्यों परेशान हो रही हो तुम? काम करो, आप अंदर जाओ, ये ड्रेस पहनो, तब तक मेरे दोस्त भी आ जाएंगे। दोस्त? हाँ हाँ, मतलब मेरे दोस्त ही तो गवाह बनेंगे ना। देखो निकाह के लिए गवाह तो चाहिए होते हैं। हाँ जाओ चेंज कर। इतनी कॉल्स, मुश्किल वक्त में भी याद आया तो तुझे मैं ही याद आया मुर्तसिम खान। अभी नहीं, अभी थोड़ा और मसाला लगाऊं। यही घर था, यही पे मिली थी मैं अनस से और उसकी माँ से। क्यों इतनी रात को मेरी नींद खराब करने आ गए भाई? कौन हो? हमें अनस से मिलना है। अनस है? कौन अनस? मलिक जुबैर कहाँ है? कौन मलिक जुबैर? ये मलिक जुबैर का घर है। जी नहीं, ये मेरा घर है। मलिक जुबैर कौन? मुझे सच में नहीं पता मलिक जुबैर कहाँ है। मुझे तो सीमा ने एक दिन के लिए मकान लिया था, उसने मुझे पैसे दिए थे। सीमा कहाँ मिलेगी? सीमा का कोई एक ठिकाना थोड़ी है। कभी इसके साथ कभी उसके साथ। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो।
क्रॉस करके इतनी घटिया जगह पे गई। नहीं, घटिया जगह नहीं थी वो, एक घर था जहां अनस अपनी माँ के साथ रहता है और तुम वहां नहीं गए थे। वहां गया था मेरा। मुत्तसिम, तुम गलत एड्रेस पे गए थे। मुझे बताए बगैर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, इसलिए ताकि मुझे पता चल सके क्या सच है क्या झूठ। तुम्हें मैं झूठा लगता? नहीं मुत्तसिम, मुझे ये लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अच्छा भला लड़का है, अच्छे खानदान का है। मरियम, ये वही है जिसने मुझे अगवा किया था। अनस, ये मीरा बहन, मेरी भाभी। जी जी, जानता हूं, मिल चुका। कब कहा? आपकी शादी की पिक्चर दिखाई थी ना मरियम। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया उसको? मरियम को तो कुछ भी नहीं पता कौन अनस है कौन मलिक जुबैर है, उसने तो वो तो मासूम है। मुर्तजा प्लीज, प्लीज मरियम को वापस ले आओ, मरियम को बचा लो, मरियम को बचा लो प्लीज। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, मत रो प्लीज, मैं उसे वापस ले आऊंगा, उसे वापस ले आऊंगा। चलो तो आप लग रही है ना मेरी दुल्हन, इधर आओ। अब अनस क्या जरूरत है, पहले निकाह हो जाए ना। मरियम, सेल्फी तो ले रहा हूं, निकाह भी हो जाएगा।
पहले निकाह कर लेते हैं ना, बाद में ये सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ पे इतना एतबार भी नहीं करती तो आई क्यों? सिर्फ मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने आई थी, और क्यों? अनस, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप पे और आपकी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। तो सिर्फ एक यादगार सेल्फी लेते हैं। चलो, अच्छी पिक्चर आई है ना जी। अना साहब, देख आइए ना कि मौलवी आया क्या नहीं। हाँ, मैं देख। बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो सब झूठ बोल रहा है तो अपना ठिकाना सच कैसे बता सकता है? और उसकी माँ, क्या वो भी नकली थी? वो इस हद तक चला जाएगा मुझे कैसे अंदाजा नहीं हुआ साहब। बख्तू को प्लीज गांव भेज दें। हाँ दाया, मरियम तुम कहाँ हो, किस हाल में हो? तस्वीर मिली। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना उसे। हाथ? तेरी बहन से तो मैं अब निकाह करूंगा। तेरी बहन मेरी बीवी बनेगी, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। खान, क्या हुआ मुर्तसिम खान, क्या हुआ? आतंक के तोते उड़ गए क्या? हाँ, मुझे वाकई जान से मार दूंगा मैं उस पर। अब तू देख, तेरी बहन के
कान की चिड़िया भी उड़ाऊंगा मैं। फिर देखते हैं कौन ज्यादा तड़पेगा, तोता या चिड़िया। भाई या बहन, तेरी इज्जत का जनाजा तुम्हें उठा के रहूंगा मुर्तजिम खान। मुर्तजिम क्या, कौन है? आ गए? आ तो गया हूं। ये क्या कर रहे हैं अनस? आपसे पूछ रही हूं कुछ। क्या पूछ रहे? मौलवी कहां है, कब आएंगे, कब होगा निकाह? अनस देर हो रही है, आप सबको बुलवाइए ना, निकाह करके घर भी जाना है। एक बार बस, एक बार पता चल जाए तो। क्या पता लग जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं आप अनस? अनस, इसी रात निकाह करना है। ये रात और इसके आने वाला दिन। क्या तमाशा लगेगा। अभी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, अगर इसके बाद तुमने मुझे कहा कि मैं तुमसे निकाह कर लूं, तो अब भी इसी वक्त मैं तुम्हें दिल से अपनाऊंगा। इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? कौन है ये? मलिक मुख्तार। मलिक मुख्तार, बिल्कुल सही। और ये मलिक मुख्तार के साथ कौन है? देखो गौर से, देखो, सोचो, कौन है ये? मलिक मुख्तार का इकलौता बेटा। मलिक जुबैर, मलिक जुबैर।
अनस कौन है? मुर्तजा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अनस कौन है? कौन है अनस? मुर्तजा, हाथ छोड़ो उसका। बीच में मत आओ। आज के बाद तुम उसका नाम तक नहीं लोगे। तुम्हारे भाई का जानी दुश्मन मलिक जुबैर। तुम्हारी भाभी मीरा को अगवा करने वाला। मलिक जुबैर, और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला। मलिक जुबैर। तो आप बोलो, करोगी मुझसे निकाह? नहीं। कहाँ जा रही है? मेरे जाल में हो, और जब कोई परिंदा मलिक जुबैर के जाल में आके फड़फड़ाता है ना, तो मलिक जुबैर उसके पर काट देता है। काटे तुम्हारे पर? हाँ, तुम्हारी इज्जत को चार चांद लगा के।